नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवताओं और देवियों के बहुत सारे अवतारों के बारे में बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देवी के एक स्वरूप राधा जी के बारे में अभी तक वर्णन नहीं किया गया था। तो आज मैं आपके लिए देवी राधा को और उनके संबंधी, उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ और उनका रूप स्वरूप क्या है, इस संबंध में कौन कौन सी कथाएँ प्राप्त होती हैं, आज के वीडियो में यही बताया जाएगा। ये भाग एक है, साथ ही साथ हम लोग इनकी साधना के विषय में भी जानेंगे अगले भाग में। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिर देवी राधा हैं कौन, इनके संबंध में क्या क्या वर्णन और कथाएं आती हैं, और ये किस प्रकार से भगवान कृष्ण की अभिन्न शक्ति मानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं देवी भगवती राधा के बारे में। कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की विख्यात प्राण सखी हैं, उनकी उपासिका हैं, और इनका जो जन्म है वो वृषभानु नाम के गोप की पुत्री के रूप में हुआ था। और ये जो है भगवान कृष्ण के साथ उनके अभिन्न रूप में रही, और आज उनका प्रेम शाश्वत प्रेम के रूप में माना जाता है। सभी लोग राधा कृष्ण के प्रेम का जो है वर्णन करते हैं, और एक स्त्री और पुरुष के बीच में इस प्रेम को विशेष रूप से ख्याति प्राप्त है कि इसी तरह का शुद्ध प्रेम होना चाहिए। राधा की जो माता हैं वो कीर्ति नाम से थी, और वो वृषभानु पत्नी नाम से उनका शब्द प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण में वृषभानु राजा की कन्या इनको बताया गया है। कहते हैं कि जब एक बार जब ये राजा जो है यज्ञ भूमि जो है साफ कर रहे थे, यानी जहाँ पर यज्ञ होता है उसकी चारों तरफ साफ सफाई की जा रही थी, तो उसी भूमि पर कन्या के रूप में उनको वहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई पड़ी जो राधा कहलाई। तो राजा ने फिर इनको अपनी जो है पुत्री बना लिया, और उनका फिर पालन पोषण किया, और उनको अपने साथ वो रहने लग गए। तो इसीलिए वो बाद में वृषभानु की पुत्री के रूप में जानी गई। एक कथा और भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया था तो उस समय अपने परिवार के सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था, और कहा था कि सारे के सारे जो भी मेरे अंग है, रूप है, स्वरूप है, सारे के सारे सभी के सभी पृथ्वी पर अवतार लें। तभी राधा जी जो चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वरूप जो है उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी हैं, उस स्वरूप में वैकुंठ लोक में निवास करती थीं, उन्होंने भी राधा के रूप में पृथ्वी पर अपना स्वरूप धारण किया और वो यहाँ बन के आई थी। तो ये उनका विग्रह रूप है माता लक्ष्मी का ही, जिनको हम राधा जी के नाम से जानते हैं। इन्हें सबसे बड़ी बात है, इन्हें भगवान कृष्ण की बहुत ही परम उपासिका माना जाता है। राधा जी को कृष्ण की प्रेमिका और कहीं कहीं पत्नी के रूप में भी दिखाया जाता है। ब्रह्मवैतत पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की सखी थी, और उनका विवाह रापण और या रायण नाम के व्यक्ति के साथ भी हुआ था, लेकिन अन्यत्र राधा और कृष्ण के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। ये जो है अलग अलग तरह की बातें हैं, हो सकता है दोनों स्त्रियां अलग रही हों, दोनों बाद में एक जोड़ दी गई हों, या फिर इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। ये भी कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी, यानी कि बड़ी हो गई थी, और उन्होंने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया था। व्रज में राधा जी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और यहाँ पर राधा ही पहले आती हैं, बाद में कृष्ण आते हैं। कहते हैं कि राधे कृष्ण, यानी कि पहले राधा हैं, उनके बाद ही कृष्ण हैं। व्रज में राधा जी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उनका विभिन्न प्रकार से वहाँ पर उल्लेख भी मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है कृष्ण की आराधिका का रूप ही राधा है। आराधिका शब्द में अगर आप आ शब्द को अगर किसी तरह से हटा दिखे हैं तो वो नाम जो होता है राधिका बनता है, यानी राधिका का जन्म जो है वो यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। वहाँ पर राधा जी का एक मंदिर भी स्थित है, और राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है बरसाना जो है वहाँ पर, वहाँ के ग्राम है बरसाना ग्राम, वहाँ की पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर एक लठमार होली भी होती है जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो है पुरुषों को स्त्रियाँ पीटती हैं और वो अपने ढाल से या किसी प्रकार से रक्षा करते हैं अपनी। यह आश्चर्य की यहाँ पर बात है कि राधा कृष्ण की इतनी अभिन्नता होते हुए भी महाभारत या भागवत पुराण में राधा जी का नाम उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि कृष्ण की एक प्रिय सखी का संकेत अवश्य मिला वहाँ पर दिया गया है। राधा जी ने कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का भी उल्लंघन कर दिया था। कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके प्रेम भाव में और भी अधिक वृद्धि होती चली गई थी। दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्यग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद, राधा आदि वहां पर आए थे।
तो राधा कृष्ण की भक्ति का जो है विभिन्न प्रकार से विस्तार समय समय के हिसाब से होता चला गया। और इस राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा और इनकी उपासना का जो संप्रदायों के रूप में विस्तार हुआ, वो ऐसे हुआ कि एक निम्बार्क संप्रदाय है, उन्होंने वल्लभ संप्रदाय है, उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय है, सखी भाव संप्रदाय है, इसी तरह के कई सारे संप्रदाय थे जिन्होंने विशेष रूप से इनकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे करके देवी राधा को जो है शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। राधा और कृष्ण संबंधित बहुत सारी कहानियां हमको देखने को मिलती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण और माता राधा का जो है विवाह हुआ था, और यह विवाह जो था वो कराने में ब्रह्मा जी का विशेष योगदान था। भगवान ब्रह्मा ने जब कृष्ण को सारी बातें याद दिलाई कि उन्हें सब कुछ याद आ गया, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से शादी के लिए वेदी को कहते हैं सजाया था। इसी प्रकार एक वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता के मुताबिक विवाह से पहले उन्होंने कृष्ण और राधा के 7 मंत्र उन्होंने पढ़वाए थे, और भंडी रवन में वेदी नुमा जो वही पेड़ है जिसके नीचे जहां बैठकर राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। दोनों की शादी कराने के बाद भगवान ब्रह्मा जो है अपने लोक को लौट गए थे, लेकिन इस वन में राधा और कृष्ण अपने प्रेम में डूब गए थे। गर्ग संहिता के मुकार जो कहा जाता है उसमें कि भगवान श्री कृष्ण ही जगत का आधार है, और माना जाता है कि जिस तरह शिव की शक्ति माता पार्वती को माना गया है, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण की शक्ति राधा कहलाती है। यहीं पर एक बड़ी अनोखी घटना घटती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली वहां पर कौंधने लग जाती है, और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। इस अंधेरे में बहुत ही दिव्य रोशनी आकाश मार्ग से नीचे आती है। नंद जी समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं, एक खुद ही राधा देवी जो हैं वो प्रकट हुई हैं, जो कृष्ण के लिए इस वन में आई हैं। वो झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और बालक कृष्ण को उनकी गोद में देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी गोद में हैं और आपका मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण को राधा के हवाले करके नंद जी घर वापस आते हैं। तब तक तूफान थम जाता है, अंधेरा दिव्य प्रकाश में बदल चुका होता है, और इसके साथ ही भगवान भी अपने बाल रूप का त्याग कर किशोर बन जाते हैं। भांडीर वन जो है उसके पास एक वंशी वन है जहां भगवान कृष्ण अक्सर बंसी बजाया करते थे और वहां पर बंसी बजाए जाने के लिए प्रस्तुत रहा करते थे। कहा जाता है कि हजारों साल पुराना वंशी वन आज भी मौजूद है, साथ ही वो वृक्ष भी मौजूद है जिस पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर उस वृक्ष में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको बांसुरी और तबले की आवाज भी सुनाई देती है। राधा जी ने शादी के बाद भगवान कृष्ण काफी दिनों तक इस वन में उनके साथ भ्रमण किया था, यहाँ के वहां के रहने लगी थी, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक नंदगांव की याद आ गई। विवाह के बाद काफी दिनों तक भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ इन वनों में रास रचाते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें नंदगांव की याद आई तो वो राधा जी की गोद से वैसे ही बालक बन गए जैसे राधा जी ने नंद जी को दिया था। इस घटना के बाद तो राधा रोने लगी। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि हे राधा, इस वक्त शोक मत करो, अब तुम्हारा मनोरथ कुछ वक्त के बाद ही पूरा होगा। राधा समझ गई थी कि भगवान आप अपने उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है। इसके बाद राधा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में गोद में लेकर नंदगांव गई और नंद के हाथों बाल गोपाल को उन्होंने अर्पित कर दिया था। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। राधा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया मानी जाती हैं और वह उनकी अभिन्न मूर्ति हैं, अभिन्न अंग हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार ही नहीं रखता है, यानी कि भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो देवी राधा की पूजा करना अनिवार्य है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं, अतः भगवान इनके ही अधीन रहते हैं। राधा जी का एक नाम कृष्ण वल्लभा भी कहलाता है क्योंकि वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। कहते हैं कि एक बार माता यशोदा ने राधा जी को उनके नाम की अर्थ के विषय में पूछा था तो राधा जी ने उन्हें बताया कि रातो महाविष्णु हैं, धा विश्व के प्राणियों के लोकों में मात्रवाचक धाय है, धा मतलब, तो इसलिए हरि ने उनका नाम राधा रख दिया, यानी रा यानी महाविष्णु, धा माने मात्रवाचक धाय, यानी महाविष्णु जब माँ के रूप में होते हैं तो वो, या धाय के रूप में होते हैं तो वो राधा कहलाते हैं। भगवान कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक द्विभुज रूप और एक चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ में निवास करते हैं, परंतु जब द्विभुज रूप की बात आती है तो वो गौलोक में
या गौलोक धाम जो है भगवान श्री कृष्ण का, उस रूप में माता राधा जी के साथ में वो निवास करते हैं। तो राधा कृष्ण का प्रेम इतना अधिक गहरा बताया जाता है कि अगर एक को किसी प्रकार कष्ट हो तो पीड़ा दूसरे को पहुंच जाती है। सूर्योपराग के समय श्री कृष्ण रुक्मणी आदि रानियां जब वृंदावनवासी आदि सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए तो रुक्मणी जी ने राधा जी का स्वागत सत्कार किया था। जब रुक्मणी जी कृष्ण के पैर दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं। बहुत अनुनय विनय करने के बाद में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनके चरण कमल राधा जी के हृदय में निवासते हैं। तो रुक्मणी जी ने राधा जी को पीने के लिए अधिक गर्म दूध दे दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण के पैरों में फफोले अपने आप ही पड़ गए थे। कहते हैं दोनों ही रूप स्वरूप एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही शक्ति हैं। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग मानी जाती हैं। इस तथ्य को आप अगर किसी कथा के रूप में जानना चाहेंगे तो वह कथा इस प्रकार से मिलती है कि वृंदावन में श्री कृष्ण जी जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई तब दिव्यानंद का साकार होकर बालिका रूप में वो प्रकट हुए और श्री कृष्ण की यह प्राण शक्ति ही श्री राधा जी हैं। राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मंदिर में यथाविध राधा जी की पूजा की जाती है, तथा श्री राधा मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा जी लक्ष्मी जी का ही रूप स्वरूप मानी जाती हैं, अतः इनकी पूजा से धन धान्य वैभव की प्राप्ति होती है। राधा जी का नाम कृष्ण जी से भी पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। श्री कृष्ण का से राधा स्वरूप जो है बहुत ही निस्वार्थ प्रेम का प्रतिमूर्ति माना जाता है। एक बार कहते हैं श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा, सभी वैद्य और हकीम उनके उपचार में लग गए परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्यों ने पूछा तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय चरण धूलि ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूलि देकर पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया। अंतः राधा जी को यह बात कही गई तो उन्होंने कहा कि अपनी चरण धूलि दी भले ही मुझे 100 नरकों का पाप अवश्य ही भोगना पड़ जाए तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य के लिए चरण धूलि अवश्य दूंगी। श्री कृष्ण जी का और राधा का प्रेम इतना अधिक पवित्र माना जाता है जैसे कमल के फूल में राधा जी की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए थे। तभी तो वहां पर विद्वान जनों ने कहा था कि राधा तू बड़ भागिनी कौन पुण्य तुम कीन तीन लोक तारण तरण सो तोरे अधीन। यानी कि आप देवी राधा आप कितनी बड़ी भाग्यशाली हैं, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि तीन लोक का तारने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेरे अधीन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से उनको माना स्वरूपा जाना जाता है। और इनके जो माता के 28 नाम हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूँ और कल बात करेंगे इनके ध्यान मंत्र पूजा के बारे में। माता राधा के 28 नाम हैं, राधा, राशेश्वरी, रम्या, वृंदा राधा, सर्वाध्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, सुरसिका, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, भव्या व्याधि विनाशिनी, सत्या, भुक्ति मुक्ति प्रदा, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात, परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र, विमानना। तो इस प्रकार से माता के ये 28 नाम माने जाते हैं। देवी राधा का वर्णन भगवान कृष्ण के साथ अभिन्न रूप में किया जाता है और इनका नाम लेने से निश्चित रूप से सभी प्रकार के शोक और दुखों का नाश होता है। कल जानेंगे माता राधा के ध्यान मंत्र और अन्य चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।